बन जाओ। Just come here. मैं तुम्हें अपने पूरे होश हवास में तीसरी तलाक देता हूं। देखो बेटा, वो तुम्हारा मंगेतर है, सारी जिंदगी बाहर रहा है, उसकी सोच जरा मुख्तलिफ है, तुम्हें तो उसके रंग में ढलना होगा ना। अगर दिल ना चाह रहा हो तब भी इनकार नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, शुरू शुरू में लड़कियों को बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बेटा, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ना यही तौर तरीके अपनाने पड़ते हैं। आजकल की लड़कियां ये बात समझती नहीं है, इसीलिए तो इतनी तलाकें हो रही हैं। देखो, तुम्हारे को नहीं जाना था ना उसके साथ, तुम्हारे को लग रहा था कि कुछ गलत है, अच्छा नहीं है, तो ना तो करना बनता था ना बॉस। ना करना सीखो, फायदे में रहोगी। हाय, क्या मजे यार इस लड़की के। यार क्या बंदा मिला है इसको, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये उस घर में पैदा हुई है, इस घर में थोड़ी हुई। अभी आ रहे हो? 4 बजे? हाँ भाई, तुम तो कत्ल भी करो तो कुछ नहीं होगा, हम तो आप ही बने तो हो जाएंगे बदनाम। खैरियत है, बाइक शाइक तो नहीं मार दी? अरे हुआ क्या है, लगता है कोई भूत नजर आ गया है तुम्हें। यार चुप नहीं रह सकती तुम थोड़ी देर? नहीं रह सकती, क्या हुआ है बताओ तो। क्या मसला है तुम्हारे को नादरा, दिख नहीं रहा मैं बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त। बेटा तुम जरूर कुछ करके आयो तब भी ना। माँ नहीं खराब करो, जाओ यहाँ से। अजमिया का निकाह हो गया इस वजह से उदास हो ना, ऐसी मार लगाएगा वो फरदीन तुम्हें, लग पता जाएगा बेटा। वो मारेगा मेरे को? हाँ क्यों नहीं मार सकता, कहाँ वो शहजादा और कहाँ तुम उसकी शेरवानी में बटन लगाने वाले दर्जी। हाँ मैं हूँ दर्जी, कोई तकलीफ है तेरे को? मेरे को क्यों होगी तकलीफ, तो फिर दफा हो जाओ और जाके सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। कोई टाइम है घर आने का? 4 बजे आके मुझे कह रहा है दफा हो जाओ, बड़ा है। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मानो मेरा क्यों तोड़ दिया, अभी थामा छोड़ दिया, मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना। अजमिया, अजमिया बेटा, अजमी, अजमिया बेटा, क्या हुआ बेटा, डर क्यों गई, कोई डरावना ख्वाब देखा था, और तुम यहां क्यों सो रही हो अपना बिस्तर छोड़ के?
तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अच्छा चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलो नाश्ता करते हैं। नाश्ता नहीं करना, नहीं जा रहा, सर में दर्द हो रही है, कॉफी भिजवाती। अच्छा ठीक है, मैं भिजवाती हूँ कॉफी। जकी, वालेकुम अस्सलाम। बेटा शुक्र है तुम आ गए, मैं तुम्हें बस अब फोन करने ही वाली थी। घर में इतने सारे काम पड़े हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हसन तो चला गया हॉल चेक करने के लिए, और निगत वो अपनी तैयारी में बिजी है। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सारे काम होंगे कैसे। अरे आप टेंशन क्यों ले रही हैं आंटी, आप एक एक करके बता दीजिए, सारे काम हो जाएंगे। शुक्रिया बेटा, वैसे सच बताओ मैं तो समझती थी तुम बस ऐसी वैसी हो, लेकिन माशाल्लाह देख रही हूँ मैं तुम्हारी अम्मी ने ना बहुत अच्छी तरबियत की है तुम्हारी, काफी जिम्मेदार हो तुम। बस वो आंटी क्या करता, अब्बू तो चले गए दुनिया से, फिर मेरे को जिम्मेदार होना था और कौन होता। माशाल्लाह। वो अजमिया बस सो रही है? नहीं नहीं जाग रही है, सर में दर्द हो रहा था उसके, कॉफी मंगवाई, अपनी खाला के घर जा रही है रुखसत होकर, और इतनी टेंशन में। टेंशन बोले तो किस बात की? शादी की। आपको कैसे पता? जाहिर सी बात है बेटा, जब लड़कियां अपने घरों से रुखसत होकर जाती हैं तो यही तो टेंशन होती है उन्हें, और क्या बात हो सकती है। हाँ पर एक दफा आप चेक तो कर लो, आप शायद कोई और बात हो। ओहो कोई और बात नहीं है। अच्छा तुम थोड़ी देर इंतजार करो, फिर अजमिया को पार्लर छोड़कर आ जाना, ठीक है? हेलो। हाँ सॉरी यार मैं सोया हुआ था, वही कॉल्स में सो गई, इतनी मिस कॉल्स आई हुई है। खैरियत क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? कल रात जो कुछ हुआ। ओहो प्लीज उसको भूल जाओ। भूल जाओ? मजाक कर रहे हो तुम? क्या हो गया आप? उससे मैं मुंह से निकल गया, इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? फॉरगेट इट, भी तो हद करती हो ना यार। जो कुछ भी था ये शादी का फंक्शन नहीं हो सकता।
तुमने मुझे तलाक दे दिए, हमें सबको ऑल ऑफ करना होगा। नहीं नहीं नहीं, यू आउट ऑफ योर माइंड, क्या बोल रही हो तुम? शादी नहीं रुक सकती, शादी तो होके रहेगी। फरती नहीं, शादी कैसे हो सकती है जब हमारी तलाक हो चुकी। इतना इशू क्यों बना रही हो, तुम ही तो कह रही थी इस तरह तलाक नहीं होती। तुम्हें रोकने के लिए बोला था, अगर तुम नहीं रुके तलाक हो गई। अच्छा तो मैं कैसे बता? पढ़ा है मैंने। 5 वक्त की नमाज तो तुम पढ़ती नहीं हो, ये पढ़ लिया कि तलाक कैसे होती है? फजूल बातें मत करो, जाओ जाके तैयार हो। मैं तैयार नहीं होंगी और ना ही ये शादी होगी। तुम खाला को बता दो, मैं अम्मी को बताने जा रही हूँ। उस्मीन, हेलो हेलो उस्मीन, तुम्हें अपने पूरे होश व हवास में तीसरी तलाक देता हूं। ये फ्रूट उठा के नाश्ते की टेबल पे रखो और सबको नाश्ते के लिए बुलाओ जल्दी से, देर हो रही है, मैं चाय बना के ला रही हूं। अम्मी जी, मेरी जान, कॉफी पी ली? सर का दर्द ठीक है? ठीक है। चलो शुक्र। मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो बेटा, सब खैरियत है? मैं वो पर 3 का फोन है, मैं अभी आती। हेलो। हाँ फरती, कह दिया खाला को? नहीं, मैं बताने जा रही थी, तुमने बता दिया? नहीं अभी नहीं बताया। क्यों? हमें फौरन बता देना चाहिए। देखो अभी कुछ मत करो, जो हो रहा है उसे होने दो। उसे होने दो? जब तुमने मुझे तलाक दे दिया तो ये रुखसती कैसे हो सकती है? तुम उसे इस तरह बात कर रही हो जैसे सारी गलती मेरी हो। मेरी क्या गलती थी इसमें? सारी सारी गलती ही तुम्हारी है। मैंने तुम्हारे घर आके वो गलती नहीं की थी क्योंकि मेरा तुमसे निकाह हो चुका था और निकाह ही सब कुछ होता है। निकाह के बाद बीवी को अपने शौहर की हर बात माननी चाहिए। मुझे मेरे घर में डर लग रहा था और आज मैंने तुम्हारे घर ही आना था ना। उसमें स्टॉप बीइंग सो ओवर ड्रामेटिक। हर बार तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना होता है। मैं बहाना नहीं बना रही थी, ये मोहब्बतों के सौदे होते हैं, जबरदस्ती से सिर्फ चोरी या डाके मारे जाते हैं। उज्मी अपने और मेरे बारे में छोड़ो, घर वालों के बारे में सोचो, अपनी और मेरी मम्मी के बारे में सोचो। कितना अच्छा लगेगा तुम्हारी मम्मी सबको फोन करके सॉरी कह रही होगी, कह रही होगी कि मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई, शादी की रात तलाक हो गई। इतनी बदनामी होगी, बेइज्जती अलग होगी, सारी खानदानों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मेरा ख्याल, मैं तो चला जाऊंगा, सारी उम्र तुम्हें अपनी अम्मी का उदास चेहरा फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो। हेलो
सुन रही हूँ। उसमें जो हो रहा है उसको इस वक्त होने दो। I promise you, मैं डैड से बात करूंगा। तुम अभी क्यों नहीं कर रहे? अरे अभी नहीं कर सकता हूँ। मैं भी डैड से बात नहीं कर सकता, just trust me। मैं मौका देख के उनसे बात करूंगा और मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें रखने का। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे घर आते ही तुम बात करोगे खालू से। Wow, you really don't trust me? मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? तुम रात मम्मी के साथ सो जाना और सुबह उठ के अपने घर चली जाना, जिस तरह हर लड़की अपने महके जाती है। फिर हम सब कुछ प्रॉपरली खत्म कर देंगे। Just trust me what I'm saying, okay? अभी जो हो रहा है उसको होने दो। ठीक है। I'll see you. बेटा बात हो गई फरदीन से? जी हो गई। अच्छा, अब किचन में तुम कुछ कहना चाह रही थी ना मुझसे? नहीं कुछ भी नहीं। पक्की बात है? जी। ओके। अच्छा मैं तुम्हारा सारा सामान गाड़ी में रखवा रही हूँ। हसन तो अपने कामों में लगा हुआ है, जकी आया हुआ है, मैंने उसे कह दिया है वो तुम्हें पॉलर छोड़ देगा। ठीक है? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? बॉस वो मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। मैं कहना चाह रहा था बॉस आप गलती कर रही हो, उसकी बातों में ना आओ। वो आपको तलाक दे चुका है बॉस, और आप फिर से उसके साथ क्यों जा रही हो? तुमने फिर से हमारी बातें सुनी है चुप कर? हाँ वो मैं वहां पे इत्तेफाक से बाय चांस वहीं पे था। झूठ बोल रहे हो तुम। वहां तो मैं दिमाग ठीक करवाती हूँ अम्मी से। बॉस मेरा दिमाग है ना बाद में ठीक करा लेना, पहले आप अपने हालात तो ठीक करा लो। मेरी बात मानो और सारी बातें अपनी अम्मी को बता दो, और उसकी बातों को मत सुनो बॉस। तुमसे ना मैंने मशवरा नहीं मांगा, समझे? बहुत बड़ी गलती कर रही हो, मैं बता रहा हूँ आपको। वो अपने अब्बा को कभी नहीं बताएगा। मुझे पता है वो बताएगा। आपको कुछ नहीं पता बॉस, बहुत ही चलाक आदमी है वो। मैं किसी गैर के घर नहीं जा रही हूँ, कजन है वो मेरा, अपनी खाला के घर जा रही हूँ, और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बॉस मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज बात मान लो बॉस, बहुत बुरा फंसोगी। नहीं फंसूंगी, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुनासिब नहीं है मेरा सबको बताना अभी। कल आऊंगी घर वापस आम दुल्हनों की तरह, फिर नहीं जाऊंगी वहां। और अगर उसने जाने ही ना दिया तो फिर मैं सबको बता दूंगी। और अभी तुम गाड़ी चलाओ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बॉस, लेकिन सुना नहीं तुमने? लेकिन बॉस उसने तलाक दी क्यों? कहां ना चलो, स्माइल प्लीज। नहीं तस्वीर अच्छी नहीं आ रही, आप भी स्माइल कीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा करीब हो जाएं। नहीं 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 तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। देखें आप कितना प्यारा तैयार हुई हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। तस्वीर अच्छी आएगी आप स्माइल करेंगी तो। ठीक है स्माइल प्लीज। ठीक है मैं दोबारा लेता हूँ, स्माइल।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखें आप बहुत टेंस लग रही हैं, लग रहा है जैसे जबरदस्ती शादी हो रही है। स्माइल प्लीज, आप थोड़ा करीब हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है आप दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, मैं बाद में आ जाता हूँ, आप बात कर लीजिए। ठीक है, तुम क्यों इतना डिफिकल्ट एक्ट कर रही हो? मुझसे नहीं हो रहा बस। लेकिन इस फोटोग्राफर को तो नहीं पता ना सिचुएशन का। कितनी खूबसूरत लग रही है, तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और आपके मुंह पे ये बातें सूट नहीं कर रही। ये थोड़ी सी देर में मैं तुमसे आप हो गया। उसमें मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। डू यू रियलाइज दैट आई लव यू? मैं पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत के मैंने खो दिया था। इस वक्त जो हो रहा है उसे होने दो, मैंने वादा किया ना तुमसे, मैं तुम्हें छोड़ आने का वादा पूरा करूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी, लेट्स गेट डन विद दिस। प्लीज सही है? फोटोग्राफर प्लीज आ जाए। बात होगी आप लोगों की? हाँ। गुड, अब करीब आ जाए जी। अब नहीं, हम ऐसे ही पिक्चर्स बनवा लेंगे, मैं स्माइल कर दूंगी, वो फैमिली को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे करीब आना। अरे फैमिली को बुरा क्यों लगेगा, आप दोनों की शादी हो चुकी है ना? प्लीज स्माइल। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए इस तरह तस्वीर अच्छी नहीं आएगी। इस तरह इनके शोल्डर पे हाथ रखें, स्माइल करें, इनको स्माइल से देखें, तस्वीर बहुत प्यारी आएगी, बिलीव मी। प्लीज ट्राई कीजिए प्लीज। ठीक है, शाबाश। प्लीज करीब करीब शोल्डर पे, हाँ शोल्डर पे हाथ रखें, शाबाश, इनको देखें, स्माइल। करो ना बॉस, क्यों कर रही हो ये सब? अपनी अम्मी के लिए, इससे आगे कुछ मत कहना वरना मैं रो दूंगी। तो रो लो ना बॉस, मैं कहता हूं जी भर के रो लो। अच्छा ये सारा मेकअप धुल जाएगा, जितना बनावटी पाना है ना उतर जाएगा, और जो असलियत है ना वो सामने आ जाएगी। कितनी बुरी लगूंगी मैं? कभी नहीं बॉस, कभी नहीं बुरी लग सकती आप। तुम्हारे कहने से क्या होता है लोग? अरे बॉस बस करो ना, लोगों की परवाह क्यों कर रही हो, सिर्फ अपनी परवाह करो, मत करो अपने ऊपर ये जुल्म। बस आज रात की ही बात है, सुबह होते ही वापस आ जाऊंगी। अब चलो यहां से। नमी मेरी इन आंखों
करो बॉस, मत करो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ। पानी लेके जाओ। क्या? अजमी के लिए पानी ले जाओ। नहीं। हाँ और कौन? कैसे जाऊँ मैं अब? मैं कह रहा हूँ ना ले जाओ आदर। प्यास नहीं कर। अरे पानी तो है, जाओ। तो नहीं हुआ है। हाँ उस प्यास लेके जाओ। पियो ना पानी पियो। अल्लाह का शुक्र है सब खैर आफियत से हो गया। बात सुने, रुखसती करवाएं आप? सलमा, अब आप हमें इजाजत दें ताकि हम अपनी बेटी को अपने घर ले जाएं। जी जरूर, बिल्कुल। नहीं, अम्मी मुझे नहीं जाना, मुझे रोक लें आप। सच बता दो सबको, बता दो ना सच बॉस, बोलो। ऐसा नहीं कहते बेटा, रुखसत होके तो जाना है ना। अब फिर तुम कौन सा गैरों में जा रही हो? अपनी खाला के घर ही तो जा रही हो, मुझसे ज्यादा प्यार देंगी तुम्हें। हाँ बेटा, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे नहीं जाना खाला। अच्छा रो क्यों रही हो? रो तो मत ना बेटा। एक सेकंड, क्या हो गया अस्मिया? तुम तो इस तरह से कर रही हो यार, जैसे यहां से सीधा अमेरिका जा रही हो। इतनी टेंशन, क्या हो गया तुम्हें? अस्मिया बस करो ना रोना, अब देखो ना फरदीन भी कितना परेशान हो रहा है। फरदीन तुम ही समझाओ ना, सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है ये। ज़मी तुम रो क्यों रही हो? देखो कल तो हमें आना ही है ना खाला से मिलने, तो ये चलते हैं फिर। ओके हाँ बेटा, सुबह तो आओगी ना? चलो शाबाश चले। चले। आ जाओ मेरा बच्चा।
नहीं बॉस, अरे नहीं, ये अच्छा नहीं किया आपने। मेरी बेटी को देखें माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल माशाल्लाह। फरदीन को तो देखें, अजमिया को देखे ही जा रहे हैं। नजर मत लगा देना उसे। लग रही है ना मिसेस फरदीन, आज तो इतनी खूबसूरत लग रही है, दिल ही नहीं चाह रहा नजरें हटाने का। सुन रहे हैं अपने बेटे की बातें? जी जी, मैं सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ खुशी अपने बेटे के चेहरे पर। डैड, मैं तो सोच रहा हूँ अगले महीने अमेरिका जाने से बेहतर है मैं कल ही इसको अपने साथ अमेरिका ले जाता। क्या? अरे बस बस, बातें बाद में होती रहेंगी, अजमिया थक गई है, चले अंदर। चले। मैं हेल्प करूं? हाँ आ जाओ। आओ आप। बी केयरफुल। एक मिनट यहाँ रुक जाना अभी। हाँ एक सेकंड लो। ये हैं इस घर की चाबियां और आज से ये घर तुम्हारा हुआ। मैं नहीं ले सकती। रख लो बेटा। ते प्यार से कह रही है रख लो, जब हम अमेरिका जाएंगे तो वापस कर देना तुम। अब चलो आ जाओ फरह। आ जाओ। चलो शाबाश। आओ अजमिया यहाँ बैठो। क्या हुआ, रुक क्यों गई? आओ यहाँ बैठो। यहाँ बैठ जाती हूँ। यहाँ क्यों, बेड पे बैठने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस थक गई हूँ इसलिए यहाँ बैठना चाह रही थी। थक गई हूँ इसीलिए कह रही हूँ, आराम से बेड पे बैठ जाओ। क्या हुआ, अभी तक खड़ी भी हो, बिठाया क्यों नहीं? मामा वो अजमिया बेड पे बैठना नहीं चाह रही। क्यों,
कुछ नहीं ऐसे। चलो कोई बात नहीं, जब दिल चाहेगा तब आराम से बैठ जाना। हम चलें? चलते हैं, ठीक है, चलो।